समान नागरिकता कानून पास होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है। इसी को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार से संत स्वामी कैलाश आनंद महाराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का ये कदम अपने आप में सराहनीय है। भारत में रहने वाला हर नागरिक एक समान है और ये कानून इस देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में कारगर साबित होगा। वहीं समाज सेवी मनु शिवपुरी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड पहला प्रदेश है जिसने इस कानून को धरातल पर उतारकर एक मिसाल कायम की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक इतिहास रच दिया है। हरिद्वार से संवाददाता नरेश तोमर की रिपोर्ट। से आज पेश की गई है और 800 पेज का 800 पन्ने का ड्राफ्ट तैयार करके मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में पेश किया। मुझे लगता है मैं सबसे पहले उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी पूरी टीम को, उत्तराखंड सरकार को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। यह समान नागरिक संहिता, समान नागरिक कानून पूरे देश में लागू होनी चाहिए और केंद्र में इसे लागू होना चाहिए। मुझे लगता है इस बिल में से किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति कदापि नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। हम एक देश है, एक कानून है, एक विधान है, एक संविधान है, एक नियम होना चाहिए सभी के लिए। समान नागरिक संहिता हो, समान नागरिक कानून हो और समान तरीके से हम संसार में भारत में रहते हैं, भारतीय परंपराओं का मौलिक सिद्धांतों को अपनाते हैं। उत्तराखंड सरकार ने यह बिल ला करके पूरे देश में एक मिसाइल काम किया है और मुझे लगता है इस प्रकार से उत्तराखंड देवभूमि सबसे पहला राज्य तो है ही, लेकिन उत्तराखंड आज सबसे पहला राज्य संविधान के कानून में भी हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जेपी नड्डा जी ने, भारत के जितने भी यशस्वी लोग हैं जो देश रक्षक हैं, देश की परंपराओं को समझने वाले, समर्थन करने वाले, उन्होंने उत्तराखंड सरकार को बधाई दिया है, साधुवाद दिया है, धन्यवाद दिया है। ये एक समानता का कानून लागू हो रहा है, ये होना तो बहुत पहले से चाहिए था। इसकी भूमिकाएं भी कई बार बनाई गई किंतु लागू होने में देरी होती रही। यह सबसे पहले गोवा में लागू किया गया था 61 या 62 में। तो अब ये हमारा जो देश है ये एक धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ पर सब बराबर हैं, तो कानून भी तो सबके बराबर ही होने चाहिए। तो ये कानून अब उत्तराखंड पहल कर रहा है लागू करने की। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनको कि उन्होंने ये पहला कदम उठाया सबको समान अधिकार प्रदान करने का, समान न्याय प्रदान करने का, ताकि कोई भी अपने आप को छोटा या बड़ा महसूस ना करे। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी इसके बधाई के पात्र हैं कि उनकी कार्यशैली और उनका दूर का विजन जो है ये भविष्य में सबके लिए समान अधिकार और समान न्याय की व्यवस्था करेगा। बहुत सुंदर कानून बना है ये, बिल्कुल भी डरने की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि कुछ समय पहले अगर आप 50 वर्ष 60 वर्ष पूर्व जाएंगे तो हिंदू धर्म में भी कुछ इस तरह की बातें थी, जैसे हमारे यहाँ नामकरण होता था, जन्मपत्री बनती थी, तो वो ही एक बर्थ सर्टिफिकेट होता था। किंतु आज हमने कानून को स्वीकार किया और बर्थ रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इसी प्रकार से विवाह में भी हमारे सिर्फ फेरे, मंदिर के फेरे यही मान्य थे, यही व्यवस्था थी, किंतु हमारे कानून को आवश्यकता थी इसके रजिस्ट्रेशन की, तो हमने सहर्ष स्वीकार किया। तो मुस्लिम भाइयों से भी मैं कहना चाहूँगी कि इसमें कोई भी डर की बात नहीं है, सबको समान न्याय और समान अधिकार हमेशा मिलेगा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। वहीं कल यानी सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट विधानसभा के पटल पर रखा, जिसके बाद विपक्ष की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा करने की मांग की गई। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का कहना है कि यूसीसी के ड्राफ्ट को प्रवर समिति को सौंप देना चाहिए जिससे कि समिति इस पर गहन अध्ययन कर सके। वहीं उन्होंने कहा कि यूसीसी के अंदर जितनी भी बातें रखी गई हैं वे पहले से ही भारत के संविधान में अंकित हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि गोवा प्रदेश में 157 साल पहले यूसीसी लागू किया गया था, उससे ज़्यादा सख्त कानून हम इसमें ला रहे हैं और इस कानून का उत्तराखंड की जनता स्वागत कर रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट।
ये यूसीसी कट कॉपी पेस्ट है और कुछ नहीं। यूसीसी के अंदर जितना मटेरियल है पहले से भारत के संविधान में अंकित है। ये बाल विवाह की बात करते हैं जिसकी शुरुआत 1928 से हुई थी और 1978 में उसकी आयु 18 और 21 कर दी गई थी। ये महिलाओं को पिताजी की पैतृक संपत्ति में अधिकार की बात कर रहे हैं तो वो 2005 से जो है भारत सरकार ने उसको किया हुआ है, वो पहले से है। ये बात मैरिट रजिस्ट्रेशन की कर रहे हैं तो वो 2006 से है, नया क्या है इसमें? कुछ नहीं। बस हाँ, जिस राज्य को देवभूमि के रूप में जानते थे, जिस राज्य को पर्यटन के रूप में जानते थे, अब उसकी पहचान इनकी वजह से अखबार में जो छप रहा है, मीडिया में छप रहा है कि लिविंग रिलेशन को वैध करने के रूप में जाना जाएगा। देखिए, आपने देखा होगा कि कल काफ़ी बातें मैंने सदन में बोली और यहाँ तक मैंने कहा है कि भाई गोवा प्रदेश में 157 वर्ष पहले यूसीसी आया था, उससे भी ज़्यादा सशक्त यूसीसी हमने अपने राज्य में बनाया है। और कल लगभग 25 विधायकों ने इस पर चर्चा की है, आज भी दिन भर चर्चा होने जा रही है और जैसे ध्वनिमत से पास हो जाएगा ये पूरे देश के लेकर नज़ीर बनने जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर ईडी ने एक्शन लिया है। ईडी ने उनके उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ के कुल 16 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे हैं। दरअसल 2019-20 में वह भाजपा की सरकार में वन मंत्री थे। इस दौरान उत्तराखंड के शिवलापुर, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और कालागढ़ वन विभाग में हजारों पेड़ों को अवैध रूप से काटकर टाइगर सफारी का निर्माण शुरू किया गया था। इसे लेकर रावत पर अवैध निर्माण और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। वहीं आज इसी मामले को लेकर उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज पर पहले भी घोटाले से जुड़े मामले में विजिलेंस की टीम ने छापेमार कार्रवाई की थी। इस कॉलेज से सरकारी पैसे से खरीदा हुआ लाखों का जनरेटर बरामद हुआ था। वहीं रावत 2022 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बता दें कि कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत आगामी लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट से दावेदारी कर रहे हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी के निर्देशन में उखीमठ में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की 15 शिकायतें दर्ज की गईं। वहीं 7 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया, जहां तहसील दिवस में विभिन्न क्षेत्रों से आए जनप्रतिनिधि, जनता ने शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों पर तैनाती करने, गाँव में आधार कार्ड बनाने के लिए शिविर, बिजली की लगातार हो रही कटौती सहित सड़क पानी की शिकायतें दर्ज करवाईं। रुद्रप्रयाग से संवाददाता सत्यपाल ने की रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल लाया गया है, जिसको लेकर उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने इस बिल को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सही मायने में महिलाओं को उनके अधिकार सुरक्षित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस बिल के आने से अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्पीड़न और हिंसा में रोक लगेगी। वहीं उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने कहा कि जिस तरह 3 तलाक मामले में केंद्र सरकार ने कानून बनाकर महिलाओं को उनका हक दिलाया है, उसी प्रकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉमन सिविल कोड ड्राफ्ट को सदन के पटल पर रखकर इतिहास बनाया है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।
खबर चमोली से है, जहां सड़क सुरक्षा की मुहिम में इस वर्ष की थीम बी अ रोड सेफ्टी हीरो है। पुलिस अधीक्षक चमोली रेखा यादव के निर्देशन में जिले भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों, संकेतों, चिन्हों के पोस्टर वितरित किए गए हैं। वहीं इसी के साथ ही दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट ड्राइविंग के लिए जागरूक किया जा रहा है। टैक्सी चालकों को सीट बेल्ट का प्रयोग करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, ओवर स्पीड, ओवर सवारी नहीं बैठाने और शराब पीकर वाहन न चलाने की अपील की गई। चमोली से संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। 35वां नेशनल रोड सेफ्टी मंथ जो कि 15 जनवरी से चालू है, उसके तहत जनपद चमोली पुलिस द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही कॉलेज, अन्य अनुष्ठानों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और रोड पर जाकर के लोगों को उनको किस तरीके से यातायात के नियमों का पालन करते हुए अपने वाहनों को ड्राइव किया जाना चाहिए, उस बारे में भी जानकारी दी जा रही है। आगामी लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए स्वीप चमोली ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने आगामी लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप टीम का गठन किया और इस टीम में विशेष रणनीति के तहत मतदाताओं को चार भागों में बांटा गया है, जिसमें युवा मतदाता, महिला मतदाता, दिव्यांग मतदाता और वृद्ध मतदाता शामिल किए गए हैं। इसी क्रम में स्वीप के सह समन्वयक प्रोफेसर डीएस नेकी ने बताया कि मतदाता जागरूकता के लिए अभी तक लगभग विभिन्न विद्यालयों और संस्थानों में 50 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जागरूकता रैली, निबंध, भाषण समेत नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर स्थानीय गढ़वाली भाषा में जिंगल, गाना, नारे तैयार कर आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। चमोली से संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। हमने पूरे जनपद को चार भागों में बांटा है, जिसमें प्रमुख रूप से जो हमारे पहली बार के, प्रथम बार के जो मतदाता हैं उन पर हम खास तौर पर फोकस कर रहे हैं। हमारी महिला मतदाता हैं उनको फोकस कर रहे हैं, दिव्यांग मतदाता हैं और जो वृद्ध मतदाता हैं इनको लेकर के हमने रणनीति बनाई है। और हमने पूरे जनपद चमोली में जो इंटर कॉलेजेज हैं, जहाँ पर पिछले चुनाव में लो वोट परसेंटेज रहा है, उसमें हमने 72 इंटर कॉलेजेस हैं वहाँ पर ELC का गठन किया है। हमारे पास 10 डिग्री कॉलेजेस में हमने कैंपस एम्बेसडर बनाए हैं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक हमारा नर्सिंग कॉलेज है, 6 पॉलिटेक्निक हैं और 6 ITIs में हमने कैंपस एम्बेसडर बनाए हैं। और हम इनके माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें रैली है, मतदाता रैली है, बाइक रैली है, हम नुक्कड़ नाटक करवा रहे हैं,